हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी फेल होने के बाद क्रिएटिनिन बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। किडनी फेल हो जाने के बाद क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, या जब किडनी आपकी 30% काम कर रही होती है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी किडनी का GFR लेवल 3 से लेकर 5 स्टेज तक रहता है। तो जब भी आपकी किडनी फेल हुई है, हाल ही में फेल हुई है, या आपको 2 से 3 या 6 महीने तक हो गए हैं, तो आपको इन 3 आयुर्वेदिक दवाइयों का सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी यूरिन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी आती है, आपका यूरिन कभी बंद नहीं होता है, और साथ में आपका पोटेशियम, फास्फोरस और आपका क्रिएटिनिन का मेंटेन होता रहता है। तो आपको अपने यूरिन को बंद नहीं होने देना है और आपको इन 3 मेडिसिन का जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो जानते हैं उन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले आपको रेनक्यो फार्मूला जो कैप्सूल आता है उसका प्रयोग आपको करना है। 2 कैप्सूल सुबह खाने हैं आपको और 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद खाने हैं। दोनों टाइम खाना खाने के बाद खाने हैं, प्लेन वाटर से लेने हैं। उसके बाद आपको पुनर्नवा के कैप्सूल 2 कैप्सूल आपको सुबह खाने हैं खाना खाने के बाद, और आपको 2 कैप्सूल दोपहर में खाने हैं खाना खाने के बाद, और 2 कैप्सूल आपको रात को खाने हैं खाना खाने के बाद। 3 टाइम खाने हैं, क्योंकि आपका पेशाब बंद हो जाएगा किडनी आपकी जब GFR लेवल 5वीं स्टेज पर चला जाएगा, इसलिए आपको यूरिन आपको बना के रखना है, यूरिन आपको बंद नहीं होने देना है कभी भी अपना। इसके बाद आपको एक मूत्र कृच्छांतक चूर्ण आता है, इस चूर्ण को आपको ले लेना है, और ये चूर्ण आपको 1 चम्मच खाना खाने के बाद खाना है। आप गुनगुने पानी से खा सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 1 चम्मच आप खाना खाने के बाद खाना है, और ऐसे ही आपको रात को भी 1 चम्मच खाना खाने के बाद खाना है। और आपको अपनी डाइट पे एक विशेष ख्याल रखना है, आपको कोई भी तला भुना खाना, ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है, आपको कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाने, चाहे मांस हो, चाहे अंडे हो, चाहे दूध हो, और आपको हाई प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है, और पत्तेदार चीज़ें नहीं खानी, और खट्टी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा डाइट का, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, ऐसी वीडियोस पाने के लिए जो आपकी हेल्प करती हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।